हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिट टैरो 3। एंड आ गए हैं गाइस, हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आप जिनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जिनके लिए आप दुआएं मांग रहे हो एंजल्स से, यूनिवर्स से, ओके गॉड से, तो क्या वो पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं, हम जानेंगे टैरो के थ्रू। सो ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आप रखिए, और जो नहीं करता आप उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, एंड हम जानेंगे सॉरी, हम अपने दूसरे डेक से भी जानेंगे, साइकिक से देखेंगे, एंजल आंसर देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे, गॉड क्या कहते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, उनसे आपका रिलेशनशिप बनेगा आगे चल के या नहीं, या फिर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं। ओके, तो देखते हैं और जानते हैं टैरोट के थ्रू। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं पहले गाइस, देन फिर हम कार्ड पिक करेंगे। चलिए अब पिक करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ओके, द सन लियो, फोर ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज लियो सजिटेरियस है हमारे पास, चौरस पीको कैप्रिकॉन है, एंड लियो हमारे पास स्ट्रांग आया है काफी। ओके, द वर्ल्ड, ये दो कार्ड हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो हमारे पास आ गया है जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइन ऑफ कप्स, दो कार्ड सॉरी, बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे इन्हें। ओके, क्वीन ऑफ सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। हम इन तीनों कार्ड्स को ही ले लेते हैं, एंड द मैजिशियन। ओके सो गाइज, अगर मैं रीडिंग को देख कर बताऊँ आपको, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि हमारे पास किंग एंड क्वीन सेम ही साइन के आए हैं, बट किंग हमारा रिवर्स में है। सो अभी किंग की जो एनर्जी चल रही है वो बहुत ही डिफरेंट चल रही है, बिकॉज क्वीन की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव चल रही है और किंग की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव चल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही ग्रेट एनर्जी में, एंड डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी की, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही इम्पल्सिवनेस आ चुकी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहते हैं, एंड बहुत जल्दबाजी है इन्हें हर चीज़ को पाने की। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैनिफेस्ट करने की अच्छे से अपने लव में, अपने करियर में, बिकॉज ये बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा ना एक रूथलेस पर्सनालिटी में बदलते जा रहे हैं, क्रूर पर्सनालिटी में इनका मतलब बदलते जा रहे हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, बिकॉज जब ही जाकर आगे आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिकॉज जो क्वीन ऑफ वैंड्स को अगर मैं देखूं,
तो डेफिनेटली मैं क्वीन ऑफ वैंड से देख पा रहा हूँ कि बहुत ही पेशेंस है, बहुत ही सरेंडर किया हुआ है गॉड में बहुत ज़्यादा, एंड इस तरीके से वर्क करा जा रहा है कि अपनी करेज को बढ़ाया जाए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, एंड सोशली बहुत ज़्यादा वर्क किया जाए, एंड पूरे डिटर्मिनेशन के साथ एक ही तरफ लगे रहना. यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ क्वीन ऑफ वैंड से. बट यस, द सन आया है हमारे पास, लियो द पॉजिटिविटी, तो हमारे लाइफ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी. और जब इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी, ये पर्सन वापस से अपनी एक प्योर एनर्जी में, जो इनकी एक वो एनर्जी है जिसके अंदर इनको अभी होना चाहिए बट ये अभी थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, उस एनर्जी में चेंज आने के बाद इनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, जो कि मुझे सन दिखा रहा है. तो मैं सन से ये वाइब गेट कर पा रहा हूँ कि यस, इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, इनकी लाइफ चेंज होगी और ये पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में आएगी, फन आएगा, वार्मथ होगी, सक्सेस होगा, वेटिलिटी होगी इनकी लाइफ में. तो सन कार्ड आने का मतलब है यहाँ पर कि यस, जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, जो भी नेगेटिव उसमें ये चल रहे हैं प्रॉब्लम में, या फिर जो भी ये चाहते हैं अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया, तो डेफिनेटली इसके आगे सन के आने का यही मतलब है कि यस, ये पॉजिटिव चेंज आएगा इनकी लाइफ में, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. देन ये आपसे कनेक्शन बढ़ाएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड ये आपको डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं. मैं यहाँ से आप दोनों की मैरिज देख पा रहा हूँ कि यस, आप दोनों की मैरिज होगी. जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे आपकी मैरिज होगी, बिकॉज ये मैरिज कार्ड भी है. एंड सेलिब्रेशन होगा, जॉय होगा, हार्मनी होगी, रिलैक्सेशन होगा. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की शादी तो लिखी है, बट आपको बहुत ही राइट वे में मैनिफेस्ट करना होगा. ये पर्सन है जिससे भी आप, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, या जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट करते हो, बट यस, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए गॉड ने यहाँ पर हमें साइन दिया कि यस, आगे चल के आप दोनों की लाइफ में मैरिज है, आप दोनों की मैरिज होगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो मैंने यहाँ से ये तो देख लिया है कि यस, ये पर्सन चाहता तो है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए, बट यस, कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इस वजह से ये अपनी लाइफ में अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है. और इसकी लाइफ में अभी थोड़ी सी कार्मिक साइकिल भी दिख रही है मुझको, द वर्ल्ड को अगर मैं देखूँ, द वर्ल्ड, तो मैं यहाँ से यही चीज़ देख पा रहा हूँ द वर्ल्ड से, कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से ये आगे बढ़ने की नहीं सोच पा रहे हैं. बिकॉज वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ से इनकी लाइफ में दिखा रहा है कि यस, अभी थोड़ा सा कंप्लीशन आना बाकी है, और मे बी ये ट्रैवल्स में फंसे हुए हैं, या फिर ये बहुत ही शॉर्टकट्स लेने की सोच रहे हैं, बट यस, इनके जो पर्सनल गोल्स हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस टाइम पर. और जबकि इनकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, वर्ल्ड कार्ड आने का मतलब यही है कि यस, कंप्लीशन आएगा लाइफ में, बट यस, ये अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम में है. बिकॉज ऑफ, अगर मैं देखूँ तो अपनी वर्क लाइफ में, थ्री ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, तो ये वर्क लाइफ का कार्ड है. तो डेफिनेटली आप दोनों या तो वर्क लाइफ पे मिले हो, या फिर आप दोनों वर्किंग के सिलसिले में ही आप दोनों का एक दूसरे से मिलना हो पाता है. बट यस, मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि यस, ये अपनी वर्क लाइफ की वजह से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनके वर्किंग लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और इनके पास प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ को लेके. तो मैं यही कहूँगा कि यस, अभी इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, इन्हें टीम वर्क में बिलीव रखने की ज़रूरत है. ये चाहते हैं अकेला वर्क करना, या फिर ये चाहते हैं कि मेरा कुछ अकेले का अपना खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट हो, एक बिजनेस हो. इनको बहुत डिसहार्मनी फील होती है उस टाइप पर, बट इन्हें लर्न करना होगा कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, कोलैबोरेशंस कैसे किए जाते हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. तो मैं यहाँ से यही देख पा रहा हूँ. और जब ये अपने वर्किंग लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा. द वर्ल्ड कार्ड मुझे कंप्लीशन दिखा रहा है, डेफिनेटली कंप्लीशन आएगा. अगर ये सब चीज़ें नहीं सीखते हैं, तो ये कितना ही मैनिफेस्ट करें, कितना भी मैनिफेस्ट करें, इनकी लाइफ में डिलेज आते ही रहेंगे. सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रहा है कि यस, डिलेज आएंगे अगर ये सब चीज़ें नहीं सीखते, एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखते हैं, इनको एक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, एक ऐसा रिजल्ट जो ये चाहते हैं. तो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्ट इन द सेंस कि इन्हें बहुत मैनिफेस्ट करना होगा, इन्वेस्ट करनी होगी अपनी एनर्जी अपने वर्क में. और जब इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आप दोनों का जो बॉन्ड बन जाएगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे को कमिट कर दोगे, और अगर जिनकी लाइफ में उनका पर्सन नहीं है, या फिर जिनका सेपरेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि उनका पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, जो लोग मैरिड थे पर उनके बीच में प्रॉब्लम हुई और डिवोर्स तक बात पहुँच गई. तो डेफिनेटली जब वो अपनी लाइफ की ये सारी साइकिल्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे.
आएंगे वो वापस। एंड ये कार्ड उनके लिए है जिनके जिनके बीच में रिलेशनशिप चल रहा है बट थिंग्स अच्छे से नहीं चल रही है, उनके उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली है। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट कर दूँ तो डेफिनेटली जब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा तो ये आपसे दोबारा से वही कनेक्शन बना लेगा जो आपका शादी के वक्त था। ओके और जिनके जिनके पर्सन जिनका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, जो मैरिड नहीं है या फिर मैरिड चाहते हैं अपने पर्सन से, तो डेफिनेटली उनका पर्सन वापस आके भी उन्हें प्रपोजल देगा ही देगा। यहाँ से मैं दोनों की सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ से वाइब भी गेट हो रही है कि यस पर्सन वापस आएगा एंड एक्शन लेगा। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स आया हमारे पास, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेगा आपके टूवर्ड, जल्द ही लेने वाला है और कोई ना कोई एक्शन। तो आपको पेशेंस रखने होंगे, आपको होप रखनी होगी, होप नहीं छोड़नी है, होप रखोगे तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, इमेजिनेशन आप बहुत, ये भी आपको बहुत इमेजिन करता है और आप भी एक दूसरे को, आप दोनों ही एक दूसरे को इमेजिन करते हो, आप दोनों एक दूसरे की ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होते हो। और अगर मैं अभी इस कार्ड को देखूँ तो ये चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खड़े होना, ये अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप भी अबंडेंस चाहते हो। यहाँ पर मैं एनर्जी बता रहा हूँ गाइस, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप जेंडर स्पेसिफिक मत समझ लेना, सभी के लिए ये रीडिंग। ओके सो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि ये सी अबंडेंस चाहते हैं, ये चार्म चाहते हैं, ये एंजल्स का सपोर्ट चाहते हैं, गॉड का सपोर्ट चाहते हैं, बिकॉज अभी इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है ये। ये रातों को बहुत रोते हैं आपको लेके, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की वजह से, या तो यहाँ मैं फैमिली देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं दोनों ही वाइब गेट कर पा रहा हूँ कि आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं बट इनकी जो फैमिली है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनके लिए। एंड यहाँ से मैं थर्ड पार्टी भी देख पा रहा हूँ बिकॉज थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से ही परेशान चल रहे हैं, बट ये सी परेशानी खत्म हो जाएगी बिकॉज हमारे पास सन आया है। सन का मतलब आप समझ रहे हो ना, एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एंड द वर्ल्ड का मतलब ये है कि यस कंप्लीशन है लाइफ में और ये सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी, बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मैनिफेस्ट करना है। द मैजिशियन जेमिनी हमें यही दिखा रहा है कि अच्छे से मैनिफेस्ट करो, एक वर्क करो जिसमें आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन लेके चलो, एक डायरेक्शन पर चलो, एक पाथ पर चलो जो आप चाहते हो, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं साइकिक से भी कि क्या क्लैरिटी निकल के आती है आपके लिए। ओके हमारे पास तीन कार्ड आए गाइस, हार्ट चक्रा, हार्ट एक एंड लॉस डेफिनेटली, एंड द पैशन इग्नाइट इट। तो मैं अगर हार्ट चक्रा को देखूँ तो डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत है, अपने इस पेन को, जो भी आपकी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब को, जो भी आपके हार्ट में पेन हो रहा है या फिर आप अपने दिल में जो भी बात रख के बैठे हुए हो, आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी और आपको एक पैशन इग्नाइटेड पर्सन की तरह ही वर्क करना होगा अपने लिए। ओके आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपकी शादी है और आपका पर्सन चाहता भी है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, बट आपका जो हार्ट एक एंड लॉस वाला टाइम चल रहा है ना, इसको खत्म करो और पैशन इग्नाइटेड हो जाओ। ओके सोलर प्लेक्सस चक्रा डेफिनेटली, अपनी फीलिंग्स को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने अपनी सेल्फ स्टीम को समझने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट अप रहने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली देख लीजिए आपको दो चक्रा आ गए हमारे पास, तो आपको अपनी हीलिंग पर और अपने सेल्फ पर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड द लाइट, अपनी उस लाइट को समझिए जो आपके इनर सेल्फ से निकल कर आती है। एक लाइट हमारे पास होती है, एक लाइट हमारे आसपास होती है जो हमें हर वक्त पॉजिटिव रखती है, तो उस लाइट के ऑरा में रहिए, आपको डेफिनेटली एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा, गॉड का सपोर्ट मिलेगा। एक सेकेंड गाइज, ओके ओके ट्रूथ नंबर 20। सो ट्रूथफुल रहना, आपको जो भी आप सच जानना चाहते हो या फिर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब एक सच्चाई की तरह आपके सामने आ जाएगी, गॉड आपके साथ है, ट्रूथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। एंड जस्टिस जब आ जाता है तो डेफिनेटली लाइफ में जस्टिस होता है। शैडो
सो डेफिनेटली शैडो से मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपके जो जो भी पेन है या फिर जो भी आपके, आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो या फिर कुछ भी, आप अपनी, अगर आप अपने इनर सोल को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, इमोशन सेंसिटिविटी दिखती है। बट यस, ये जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर, ये ख़त्म हो जाएगी। आपको शैडो यहाँ से यही बता रहा है कि आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, एक पॉजिटिव एक्शन लेने की, अपने पास्ट को भूलने की एंड आगे बढ़ने की। ओके, सो आपके पास में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सबको भूलिए एंड स्पिरिचुअल रियूनियन, आपका स्पिरिचुअल रियूनियन है। एंड व्हाट ऑल द टेक वी हैव होप, अगर आप होप रखोगे, उम्मीद रखोगे, बिलीव रखोगे, तो डेफिनेटली ट्रम्प एंड सक्सेस, तो सक्सेस आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस मिलने से आपको। आपको होप रखनी है, उम्मीद रखनी है। ओके, हमारे पास होप आ गया है तो डेफिनेटली आपको होप तो रखनी ही होगी। एक बार गॉड गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या गाइडेंस आती है, देन फिर हम एंजल आंसर्स देखेंगे कि एंजल्स क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। डेफिनेटली आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन है, आप दोनों की शादी है, एंड द फैमिली कार्ड से मैं देख पा रहा हूँ कि आगे चल के आप दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ से दिख रहा है ये। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका सपना है, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान देने की जरूरत है। ओके, अगर आप देखिए, अब दोबारा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप प्रैक्टिकल प्लान नहीं देते हो, इमोशंस में चलते रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, फियर में रहते हो, डर में रहते हो, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में कुछ नहीं आने वाला। हार्ट एक खत्म करो, लॉस खत्म करो, डेफिनेटली फिर सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता जाएगा। एंड द कार्ड इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने अपने घमंड को, अपने अहम को कभी भी अपने रास्ते में मत आने देना। ओके, विन विन आउटकम इज फोकस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा। एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका एंड होना ही है, तो बिल्कुल कंक्लूजन आर विद रीच। देख लीजिए, कंक्लूजन जो है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आप जो सोच रहे थे कि कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। नथिंग इज सेट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी अभी पत्थर पर नहीं लिखा है। ओके, फ्यूचर बदल भी सकता है, तो आप अगर सोच रहे हो अभी वर्स्ट चल रहा है तो क्या पता आगे चल के कुछ पॉजिटिव हो जाए। और अगर आप अपने लिए वर्क नहीं करते हो, तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग निकल के आई है, अगर आप इस पर बिलीव रखते हो तो आप अपने लिए वर्क करना। और अगर आप अपने लिए वर्क नहीं करोगे तो देख लीजिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी अभी पत्थर पर नहीं लिखा है, रीडिंग आ रही है, ये भी बदल सकती है आगे नियर फ्यूचर में। सो आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना है। ओके, टाइम टू टेक ब्रेथ आउट। ये टाइम है समय लेने का पूरा, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब कुछ एंजल मैसेजेस देखे जाएं, क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए। ओके, ओके, नो नीड टू वरी, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, सब कुछ ठीक ही होगा आपकी लाइफ में। एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, नो नीड टू वरी। एंड रोमांस, डेफिनेटली यहाँ से हमारे एंजल्स ने हमें रोमांस दिखाया, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रोमांस है और आगे चल के आपकी लाइफ बहुत रोमांटिक होने वाली है। आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये पर्सन रोमांटिक है बहुत ज़्यादा आपके लिए, और आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस फील करते हो। डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन तो है, लेट गो। अभी जो भी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं उन्हें लेट गो कर दो, नेगेटिविटी से आगे बढ़ो, बिकॉज ये जो नेगेटिविटी है, देखो, नो नीड टू वरी, रोमांस एंड लेट गो, ये तीनों कार्ड हमें क्या दिखा रहे हैं आप देखिए। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन इज रोमांस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, इसीलिए आपको अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करना होगा। तो आप समझ लीजिए यहाँ से एंजल्स का इशारा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। Thank you.
हेल्पफुल पीपल, मदद लो लोगों की जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, एंड पीसफुल रिसोल्यूशन, डेफिनेटली पीसफुल रिसोल्यूशन आपकी लाइफ में आएगा और जो भी आपके आसपास अबंडेंस, वाओ अबंडेंस मिलेगी आपको। तो जो भी हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, एंड जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उनसे शेयर कर देना। ओके, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। ओके, बाय बाय।